नमस्कार, सिटी सिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। चलेंगे खबरों की ओर, लेकिन उसके पहले एक नया सुर्खियों पर। सीएम शिवराज की मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक, वहीं डिजिटल डायरी और डिजिटल कैलेंडर का किया विमोचन। मसूद अख्तर और अफजल को दी श्रद्धांजलि। इंदौर में बीजेपी युवा महाकुंभ की तैयारी। 3 जनवरी को इंदौर में स्वामी विवेकानंद की जीवन दर्शन पर आयोजित होगा महाकुंभ। कार्तिकेय चौहान और द ग्रेट खली करेंगे शिरकत। कल होगा शिवराज कैबिनेट का विस्तार। सिंधिया समर्थक 2 विधायकों को मिलेगी जगह। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिलाएंगी शपथ। रसोई गैस के बड़े दामों को लेकर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। रोशनपुरा चौराहे पर जताया विरोध। सरकार से की बड़े दामों को वापस लेने की मांग। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ को दी करोड़ों की सौगात। 46 विकास कार्यों का किया लोकार्पण। हितग्राहियों को 5.90 करोड़ की सामग्री का किया वितरण। अब खबरों के बारे में बात करेंगे विस्तार से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिग बैठक ली। इस बैठक के दौरान नए साल की डिजिटल डायरी और डिजिटल कैलेंडर का विमोचन किया गया। बैठक में मंत्री और अधिकारियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और साथ ही आईएएस मसूद अख्तर और आईपीएस अफजल को याद किया। दोनों को ही सीएम ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि सभी लोगों की मेहनत से कोरोना ज्यादा नहीं फैल पाया। वहीं कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमें जीवन शैली बदलने की जरूरत है। बैठक में अपर मुख्य सचिव और सचिव और विभाग अध्यक्ष मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां पर 3 जनवरी को इंदौर में युवा महाकुंभ होने जा रहा है। यह आयोजन स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पर होगा। इसमें युवाओं को स्वामी जी से प्रेरणा लेकर जीवन में सुख शांति और समृद्धि देना लाने हेतु प्रेरित किया जाएगा। और आयोजन में युवा नेता कार्तिकेय चौहान और ग्रेट खली भी शामिल होंगे। आयोजन में संबंध में जानकारी देते हुए विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बताया कि यह आयोजन युवाओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इस आयोजन में हजारों युवा भाग लेंगे। बता दें, कार्यक्रम इंदौर के अभय प्रशाल में आयोजित किया जाएगा। तो कल इंदौर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पहलवान द ग्रेट खली भी शिरकत करेंगे। वहीं युवा नेता कार्तिकेय चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये कार्यक्रम जो है वो स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर युवाओं को प्रेरित करने के लिए है। कल इंदौर के अभय पलाश में इसको आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड क्वाड का निरीक्षण किया। मरीजों के परिजनों ने मंत्री सारंग से अस्पताल में उपचार को लेकर की जा रही लापरवाही को लेकर शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री सारंग ने प्रबंधन के रवैये पर नाराजगी जाहिर की और साथ ही मंत्री सारंग ने कहा कि उपचार को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। देखा जाएगा और यदि प्रक्रिया में किसी तरह के परिवर्तन की जरूरत है तो वो भी किया जाएगा। आज मैंने ये भी निर्देश दिया है कि हर डॉक्टर अपने पर्चे पर अपनी सील साइन के साथ सील भी लगाएगा, उसका मोबाइल नंबर भी उसमें दर्ज होगा। ये सब व्यवस्थाएं और लगातार ये व्यवस्थाओं को और ठीक किया जाएगा। अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, अनुसूचित जाति विभाग की मंत्री मीना सिंह ने आज केंद्र की योजना को लेकर पत्रकारों से चर्चा की, जिसे उन्होंने बताया कि केंद्र कैबिनेट ने कक्षा 11वीं से लेकर अपर पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति के लिए 59,000 करोड़ रुपए के खर्च करने का निर्णय लिया है। वहीं इन घरों से 10वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी और इन सभी को छात्रवृत्ति का लाभ होगा। उनकी छात्रवृत्ति में एक बड़ी वृद्धि करने का प्रस्ताव था।
ये एक ऐतिहासिक एक पारदर्शी कदम जो केंद्र सरकार लाई है, मैं ये जानबूझकर इसलिए कह रहा हूं, आजादी के पहले 1944 में ये छात्रवृत्ति प्रारंभ हुई थी। 57 ईयर देश में कांग्रेस ने राज्य किया, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, पोस्ट मैट्रिक के बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे थे, बेड ड्रॉप क्यों हो रहा था, समय पर छात्रवृत्तियां उनके पास क्यों नहीं पहुंच रही थी, वो असुविधाएं क्या थी, इस पर कोई चिंतन नहीं हुआ, कोई मनन नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस पर अध्ययन किया और तय किया कि देश के हमारे एससी के जो बेटे बेटी हैं वो 100% विद्यालय में आए, जो छोड़ गए हैं उनको भी लाने का अभियान चले। और इसलिए आप देखिए कि 1944 से लेकर और अभी कुछ दिनों तक केवल 1100 करोड़ रुपए खर्च होते थे, केवल 1100 करोड़, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अब निर्णय कर लिया कि आने वाले 5 वर्षों में 59,000 करोड़ पोस्ट मैट्रिक के जो बच्चे हैं उन पर खर्च करने का काम केंद्र की सरकार करेगी। अब केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि प्रदेशों की सरकारें बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेगी, उनका खाता भी बैंक में खोलेंगी, सबसे पहले प्रदेश की सरकार उसमें पैसा डालेगी, फिर केंद्र भी अपना पैसा डीबीटी के माध्यम से उन बच्चों के खाते में डालने का काम करेगी। और ये 59,48,00,000 की जो एक बड़ी राशि केंद्र सरकार बच्चों के खाते में डालेगी, स्वाभाविक है, बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में विकास भी होगा, उनकी जिंदगी भी बेहतर होगी, अभाव की जिंदगी के कारण जो स्कूल छोड़ जाते थे वो रुकेगा, सरकार के अभियान चलेंगे, घर घर जो बच्चे छोड़ गए हैं पिछले वर्षों उनको फिर से जोड़ना है, 1,36,00,000 उन बच्चों को फिर से जोड़ने का अभियान चलेगा। कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक पारदर्शी कदम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में थावरचंद जी ने उठाया है। भाजपा ने उपचुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और इसका श्रेय जाता है भाजपा के मीडिया सेल को, यानी कि उनका मीडिया सेक्टर बहुत मजबूत है और इसको मेंटेन करने का श्रेय किसको जाता है, ये जाता है वहां के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवराज डाबी को। उनसे खास बातचीत की हमने, देखिए इस खास रिपोर्ट को। हमारे साथ बीजेपी के आईटी सेल के प्रदेश प्रभारी यहाँ पर शिवराज डाबी जी बैठे हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि उपचुनाव में आईटी सेल का एक बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था, बहुत मजबूती से जनता सरकार जुड़ पाई आपकी वजह से, आपके पूरे की कह सकते हैं विभाग की वजह से, तो इस बार नगरीय निकाय चुनाव में किस तरीके का प्रदर्शन रहने वाला है? सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि उपचुनाव में किस तरीके से आपने योजना रणनीति बनाई थी कि इतना मजबूत नेटवर्क बन पाया? आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो उपचुनाव हुए थे ये साधारण उपचुनाव नहीं थे, क्योंकि इसमें हमारे साथ कुछ ऐसे चैलेंज थे कि जिन लोगों के लिए हम 2018 में लड़े थे, जिनके विरुद्ध लड़े थे, आज उन्हीं के पक्ष में हमको लड़ना है। पर अच्छी बात है कि हमने इस चुनाव को विकास के मुद्दों पर लड़ा था और जो 15 महीने की जो कांग्रेस के कुशासन था उसके बारे में, उसके विरुद्ध हमने लड़ा था, तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि सोशल मीडिया में हम किस तरह से ऐसा माहौल बनाएँ कि ये बताया जाए कि 15 महीने का जो कुशासन कांग्रेस सरकार में रहा है हम उसको एक्सपोज करें और बहुत आसान और सरल तरीके से हम जनता के मोबाइल में पहुंच सकें, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकें। और जो हमारे साथ जो छोड़ के जो आए थे, जो विधायकगण आए थे, वो क्यों छोड़ के आए थे, वो उनका उद्देश्य क्या था, वो कौन से अच्छे नीयत से आए थे, तो वो नीयत के बारे में भी हमको बताना था। तो काफ़ी चैलेंज था और इसमें हमने सकारात्मक पहल करी थी और काफ़ी प्रयास भी करा था और जनता तक पहुँचे भी हम लोग, और इसका बाकी परिणाम आपको देखने को मिला ही है। तो खास हमारा चीज़ थी कि हमारा नेटवर्किंग थी, हम लोगों के पास 2018 के पहले हमने सोशल मीडिया पे अच्छा नेटवर्क तैयार किया था, हमारा जिले के अंदर मंडल और मंडल से बूथ लेवल तक हमने सोशल मीडिया के साइबर योद्धा तैयार करे थे और उनको हमने सेंट्रलाइज तरीके से प्रदेश से जिले से हमने उनको व्हाट्सएप नेटवर्क से जोड़ा था। तो कोई भी चीज़ आती थी हम उसको इतना हमारी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग थी कि हम तुरंत घंटों के अंदर हम उसको बूथ स्तर पर पहुंचा देते थे। तो ये एक हमारा खासियत था जिसका हमने
बहुत अच्छा उपयोग किया हमारे नेटवर्किंग का सोशल मीडिया की। सर नगरीय निकाय चुनाव अब आ रहे हैं और अब जो है मजबूती उतनी ही चाहिए, तो इसके लिए भाजपा की अब क्या रणनीति है? देखिए हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, हम कैडर बेस्ड पार्टी, हमारे जो कार्यकर्ता एक बार जुड़ जाता है वो जुड़ता रहता है, उसमें एड ऑन ही होना है, कम तो नहीं होता है। 2014 में, फिर 2018 चुनाव में, फिर 2019 के फिर उपचुनाव में, और जो हमारा नेटवर्क अभी तक बना है वो नगरीय निकाय चुनाव में भी हमारा वो नेटवर्क हम लोग उसको उपयोग करेंगे। हमारा जो कार्यकर्ता अभी भी जो बैठा हुआ है, जो बूथ पे स्तर पे तैयार हुआ है, हम उन्हीं को नगर निकाय चुनाव में उपयोग करेंगे। और हाँ, ये जरूर है कि अब हमारी कंटेंट बनाने की जो रणनीति है वो उसमें चेंजेस आएगा। हम इसमें मोस्टली कुछ फोकस ऐसा करेंगे जिसमें प्रदेश स्तरीय फोकस हो। इन चुनावों में ज़्यादातर प्रदेश स्तरीय मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा होती है, और फिर हम लोग उसको डिसेंट्रलाइज करेंगे कि हम क्षेत्रीय मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करें, उसकी जानकारी लेके उस क्षेत्र की जनता तक हम पहुँचाएँ। ये हमारा काम रहेगा, जिसमें हम ग्राफिक्स करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, छोटे छोटे प्रमोशन वीडियो भी रहेंगे, और कुछ आसान तरीके होते हैं जिसको जनता तक हम मोबाइल तक पहुँच सकें वो सब हम उपयोग करेंगे। तो इस बार हम नगर निकाय चुनाव में हमारा मेनली फोकस जो होगा वो लोकल मुद्दों पर रहेगा, ये हम कोशिश पूरी करेंगे। सर अगर यहाँ पे बात किया चैलेंजेस की, तो आईटी सेल के सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं कि जो बीच के लोग होते हैं, जैसे कि जनता और सोशल मीडिया में कुछ ऐसे बीच के लोग होते हैं जो हमेशा कुछ और खबरें फैलाते हैं, गलत खबरें फैलाते हैं, तो उनसे किस तरह से डील होती है? क्या है कि ये शुरू से चलता है। आप मैं इस पर बोल रहा था कि कांग्रेस ने ऐसे बीच में बहुत सारी चीज़ें गलत फैलाई थी, जनता को भ्रम फैलाने की कोशिश करी थी, और उन्होंने तथ्यों तर्कों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया था, अफवाह फैलाने का काम किया था अलग अलग मुद्दों पे। वो हमारा पैदल ही काम करता है, और चुनाव में एक हम फोकस होकर काम करते हैं कि हम ये भी मॉनिटरिंग रहती है हमारी कि हमारे क्षेत्र में हमारी जनता के बीच में ऐसे कौन से भ्रम फैलाए जा रहे हैं अपोजिशन पार्टी के द्वारा, तो हम उसको तोड़ करते हैं, हम उस पर रिसर्च करते हैं, हम उसके तथ्यों और तर्कों को निकालते हैं, फिर उसका हम जवाब तैयार करके वो भी जनता तक पहुँचाते हैं। तो इस बार भी हम लोग करेंगे वो सब काम। तो ये थे हमारे साथ शिवराज डाबी जी, जो कि भाजपा का प्रदेश आईटी सेल जो है पूरा संभालते हैं और पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए TNN। ब्रेक के बाद फिर चलेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जल्द ही कोरोना वैक्सीन लगने लगेगी, यानी कि इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और शनिवार को ड्राई ट्रायल भी किया गया। इसके जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी पहुंचे। उन्होंने टीकाकरण केंद्र पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कैसी बनेगी तो जो उम्मीद थी ऐसा लग रहा है कि हो जाएगी, व्यवस्था अनुकूल है। जो आएंगे वैक्सीन लेने के लिए उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन इत्यादि ये सब में भी अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वो भी ट्रायल रन के माध्यम से जानकारी लग जा रही है, कहाँ पर बॉटलनेक बन सकते हैं। इंजेक्शन लगने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद में जो लोग बैठेंगे उनकी भी व्यवस्था चले मत जाए जल्दी, थोड़ा एक वही पॉइंट दिख रहा है जहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी तो लग रहा है कि व्यवस्था अपनी जगह पे है। 7 जिलों में 3-3 स्थान पे, 21 स्थान पे आज छत्तीसगढ़ में ये ट्रायल रन चल रहा है। इसके बाद मेरे ख्याल से वो कर ही रहे हैं, उनको पहले भी जानकारियां दी हुई हैं। जैसे आपने देखा कि ये 3 कमरे एंट्री पॉइंट पे चेकिंग, और थोड़ी बात आई कि कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं बनेगा कि ज़्यादा लोग आ जाएंगे, हमको भी लगा दो, हमको भी लगा दो, जिनका नंबर नहीं है। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अगर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए भी बात कर लेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां पर राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हो गई है। इंदौर के डेली कॉलेज परिसर में 3 दिन में 50 कौओं की मौत हो गई है, जिनमें से 2 में से 5 H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू का वायरस मिला है। कौओं के सैंपल भोपाल में आनंद नगर स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजे गए थे। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में एक सप्ताह के अंदर 295 कौओं की मौत हो चुकी है। दोनों राज्यों में सभी
सेंचुरी और अभ्यारण्यों में अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। उधर इंदौर में 5 किलोमीटर क्षेत्र में सर्दी खांसी वाले मरीज ढूंढे जा रहे हैं। सर्विलांस के लिए भी अलग अलग दल बनाए गए हैं। इंदौर में 50 गौओं की मौत का मामला सामने आया है और बर्ड फ्लू जो है इसकी पुष्टि यहाँ पर की गई है। इन सभी के जो सैंपल्स हैं वो भोपाल भेजे गए थे जांच के लिए और पुष्टि हो गई है कि इन सभी जो हैं वो बर्ड फ्लू के कारण मरे हैं। वहीं अगर बात यहाँ पर की जाए राजस्थान की तो एक हफ्ते में 295 कौओं की मौत का मामला यहाँ पर सामने आया है, जिसमें फिलहाल सभी सेंचुरीज को और सभी अभ्यारण्यों के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही सर्दी खांसी वाले मरीजों को भी ढूंढा जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार बूटा सिंह का निधन हो गया है। दिग्गज नेता बूटा सिंह कई महीनों से बीमार चल रहे थे और उनकी उम्र के चलते दिल्ली में उनका निधन हो गया है। बूटा सिंह अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान गृह मंत्री, बिहार के राज्यपाल और बड़े किसान नेता भी रह चुके हैं। बूटा सिंह का जन्म 1934 में जलंधर में हुआ था। राष्ट्रीय राजनीति में बूटा सिंह एक बड़ा नाम है। आपको बता दें कि बूटा सिंह को दलितों का मसीहा भी माना जाता था। ग्वालियर में एक्सीडेंट के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे आदिवासी परिवार के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट की खबर है। घटना के विरोध में झांसी रोड थाने के सामने लोगों ने चक्का जाम कर दिया और हंगामे की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने आदिवासी परिवारों को आश्वस्त किया और दोषियों की खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये बात उन्होंने कही। साथ ही इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम खत्म किया। और आपको सीधे लिए चलते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास, जहां पर वे अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। प्रदान कर दी, अब ये 1300 करोड़ का अनुदान हमारे लिए उपलब्ध है, बाकी विभाग भी कर सकते हैं। वैसे राजस्व विभाग ने कोर्स परियोजना के लिए प्रयास किया, भारत सरकार से निरंतर संवाद स्थापित किया तो उनको 25 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हो गई। ऐसे और उदाहरण दिए जा सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर विभाग अपने स्तर पर कोशिश करे कि हम भारत सरकार से अधिकतम फंड्स कैसे ला सकते हैं। हम कोशिश करते हैं तो सफलता मिलती है। एक बात और, जो योजना उपयोगी ना हो अपने यहां के हिसाब से उसको केवल इसलिए ना चलाएं कि 60% केंद्र से आता है हमें तो 40 ही देना, उपयोगी है तो खूब चलाएंगे, नहीं है तो वैसी सूची बना ले, जबरदस्ती नहीं चलाना। वो पैसा हम और कहीं खर्चा करेंगे, भारत सरकार से और पैसा हम ले आएंगे। नए साल में जिन कामों पे हमको फोकस करना है उसकी चर्चा और करूंगा। वैसे हर विभाग मेरे लिए महत्वपूर्ण है। एक तो सिंगल सिटीजन डाटाबेस एवं सभी हितग्राही मूलक योजनाओं में इसका उपयोग आरंभ करना है, ये बहुत जरूरी। समग्र फैमिली को आधार नंबर आधारित बनाना है और सभी नागरिकों को एक ही डेटाबेस पर शासकीय सेवाएं प्रदान करना है। सभी विभागों को अपनी कार्य प्रणाली के वर्क फ्लो को कंप्यूटराइज कर नागरिकों को कार्यालय के चक्कर कम से कम लगाने पड़े, इसका प्रयास करना होगा। इनोवेशन भी करें, इनोवेटिव भी सोचें। अब हमारे बिजली विभाग लगातार आप जानते 18,000 करोड़ सब्सिडी पहुंच गई है, लेकिन उन्होंने कुछ इनोवेटिव कदम उठाने के फैसले किए, उसके कारण लाभ होगा हमें। तो हर एक विभाग को यह सोचना चाहिए। फिर शासकीय सेवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो की व्यवस्था करना है। अलग अलग सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग पोर्टल पर नागरिकों को ना जाना पड़े, एक ही तरह के दस्तावेज यहां भी जमा करने वहां भी जमा करने, ये जमाना अब चला गया।
इसके स्थान पर सभी शासकीय सेवाओं के लिए एक सिंगल पोर्टल निर्माण की दिशा में काम करना है। पोर्टल से सारी सेवाएं उनको मिल जाए, उस दिशा में हर विभाग को काम करना है। यहां से हम काम कर रहे हैं। एक चीज और सुशासन की दृष्टि से मैं कहूंगा, समाधान ऑनलाइन में हमने महसूस किया कि हितग्राही को राशि तो स्वीकृत हो गई लेकिन मिली नहीं। अब जब कुछ मामले मुझे ऐसे मिले तो और भी होंगे। कई कई दिनों तक, साल छह महीने तक राशि वितरित नहीं होती। अब यह मैं चलने नहीं दूंगा। अरे ऐसे मामले आए तो बहुत गंभीरता से निपटूंगा मैं। ऐसी स्थिति कभी निर्मित नहीं होनी चाहिए। अगर स्वीकृत है तो राशि तत्काल पहुंचनी चाहिए। अब समय आ गया कि हम अपने ट्रेजरी सिस्टम को आधार इनेबल्ड प्लेटफॉर्म से जोड़ लें। मंडी और श्रम संबंधी सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करना मैं इतना ही कहूंगा। हमने सबसे पहले एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन इन कानूनों को लाभ श्रमिक को और किसानों को मिलना चाहिए। ठीक से संबंधित विभाग इसकी चिंता करे। एक प्राथमिकता जो मैंने पहले भी कही थी, रोजगार के अवसर सृजित करने, हर विभाग को उसके लिए काम करना है। कुछ ज्यादा कर पाएंगे, कुछ कम कर पाएंगे, लेकिन करना हर एक को है। इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। हर महीने हमको 1,00,000 रोजगार के अवसर सृजित करना है, और अवसर केवल शासकीय नौकरियों के नहीं, उसके अलावा। और इसलिए कौशल विकास एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारे लिए। ग्लोबल स्किल पार्क के काम को मैं जल्दी देखने जाने वाला हूं। 600 करोड़ रुपए की लागत से आखिर मैंने पहले स्वीकृत किया था। रोजगार सेतु पोर्टल एक अच्छी पहल है हमारी। सारे कलेक्टर्स को भी और सभी अधिकारियों को मैंने रोजगार सृजन के निर्देश दिए हैं। इस पर गंभीरता से काम करें। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की कई बार चर्चा की है, वो हमारा फोकस है, इसलिए आज मैं उस पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा। अरे मंत्री साथी, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश, तो आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के उनके जो लक्ष्य है उनको पूरा करने के लिए क्लोज मॉनिटरिंग करें, और मंत्रियों के निर्देश पर अधिकारियों को काम करते हुए इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। मैं भी समीक्षा करूंगा, मुख्य सचिव भी समीक्षा करेंगे, मंत्री अपने अपने विभाग की समीक्षा करेंगे, फिर एक विभिन्न विभाग की योजना और कार्यक्रम के क्रियान्वयन का केंद्र बिंदु तो जिला होता है। जिला स्तर पर हो रहा है क्रिया सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा में उन्होंने कहा है कि नए साल में कामों को और ज्यादा फोकस के साथ किया जाएगा, नए कानून का श्रमिक भी फायदा उठाएं। वहीं सभी विभागों को उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं, और